हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है। आज हम देखेंगे XML के एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है और उसका यूज कैसे होता है और उसे कैसे लिखा जा सकता है और उसका एक डिफरेंस है जो HTML से कैसे अलग से वो काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं XML। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज XML। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है ये। जैसे हम लिख सकते हैं कि HTML में जो है मार्कअप लैंग्वेज है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको डिजाइन किया गया हुआ है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डेटा। मीन्स आपको टेम्पररी कोई डेटा स्टोर करना है तो आप XML में इजीली स्टोर कर सकते हो। और अगर आप जब भी वेब यूज कर रहे हो उसके पीछे जब XML फाइल रन हो रही है तब आपको कोई दूसरा पेज पे आपको ट्रांसफर करवाना है वो डेटा, तो वो यूज के लिए XML बहुत पॉपुलर है अभी। तो उससे कहा जाता है डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डेटा। तो ये जो XML है वो मत लाइक एज HTML लैंग्वेज। मीन्स जो मार्कअप लैंग्वेज बनाया गया हुआ है जो प्री डिफाइंड टैग वाला है तो उसकी तरह ही ये XML काम करता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। तो इसे जो भी डिजाइन किया गया हुआ है वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। मीन्स सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मीन्स आपको सपोज कोई बच्चा पढ़ रहा है उसका आपको नेम चाहिए, बर्थ डेट चाहिए कि सपोज उस कहाँ पर स्टडी कर रहा है, प्राय कौन से स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है, कौन सी स्कूल में जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि जो HTML है उससे कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है कि XML was designed to carry the data with focus on what data is। तो वो चेक करता है जो डेटा वो कैरी कर रहा है और उसे कहाँ पे वो स्टोर करना है और वहां क्या डिस्प्ले करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा कैरी करता है। जो HTML है वो सिर्फ डिजाइन द डेटा फॉर डिस्प्ले। मीन्स आपको कुछ अच्छा लुक चाहिए तो उसके हिसाब से वो डेटा को डिजाइन करके वहां पे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन XML टैग है जो कि प्री डिफाइंड नहीं है। जब मैंने पहले बोला कि HTML में आपको पहले प्री डिफाइंड टैग दिए गए कि सपोज के HTML है, बॉडी है, टाइटल है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो हिसाब से आपको डेटा चाहिए उस हिसाब से आप अपने हिसाब से टैग लगा सकते हो। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि XML जो फाइल है उसका डिटेल्स कैसा होता है। तो यहाँ पे दिया गया हुआ कि सपोज आपको पहले रूट लगाना है, तो सपोज चलो मैं कोई बच्चे का इन्फॉर्मेशन लेता हूँ तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ। फिर मुझे चाहिए स्कूल डिटेल्स, तो यहाँ मैं स्कूल डिटेल्स लिखता हूँ, वो बच्चे का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, तो फिर उसको यहाँ पे ये जो स्कूल डिटेल्स है वो खत्म करता हूँ और वो स्टूडेंट को भी खत्म करता हूँ। तो इस हिसाब से जो रूट चाइल्ड और सब चाइल्ड की जो डायरेक्टरी है आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि सपोज पहले ग्रैंड पेरेंट आते हैं, उसके बाद पेरेंट्स आते हैं, फिर चाइल्ड आते हैं, फिर उसके सब चाइल्ड आते हैं। तो उसी तरह जो XML फाइल है वो इसी तरह काम करती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो बेसिक मैंने XML फाइल बनाया हुआ, तो उससे आपको ज्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पे XML वर्जन है जो 1.0 और यूनिकोडिंग एंड कोडिंग है जो यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट है 8 है। तो यहाँ पे बेसिक है कि नॉट, कि सपोज मैंने एक नॉट क्रिएट किया हुआ है तो 2, तो 2 कहां से है, किसको भेजना है कोई, तो यहाँ पे टॉव लिखा है मैंने तो उसको 2, और फ्रॉम मीन्स कहां से वो सेंड करने वाला है, तो और कौन सेंड करने वाला है, दैट मीन्स जान यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको क्या मैसेज भेज रहे हो आप, तो यहाँ पे आप रिमाइंडर लिखा है, तो यहां से रिमाइंडर मैसेज जाएगा किसको, टॉव को। और जो लास्ट में है बॉडी, हम यहाँ पे मैसेज भी यूज कर सकते हैं, डोंट लाइक एस डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड, ओके। तो आप यहाँ पे सिंपल बॉडी भी लिखा है हम यहाँ यूज कर सकते हैं, मैसेज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है आपको याद रखना है कि सपोज जो भी आप पहले टैग स्टार्ट करते हो वो सेम ही लेटर में यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने खत्म किया नॉट। तो ये है सिंपल XML का फाइल फॉर्मेट। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो XML फाइल है वो क्या है, वो क्या काम करती है, वो HTML से कैसे डिफरेंट है, उसका फाइल स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे टैग उसको डिफाइन किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल।